तजिया लेते हैं माहिरे मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। ब्लूमबर्ग की जो ये रिपोर्ट है, इसके अगर हम अदाद व शुमार देखें मौशी, तो क्या लगता है कितनी क्रेडिबल है ये रिपोर्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में क्योंकि बहुत दहाइयों से ये कोशिश की जा रही है कि इकॉनमी जो है वो ऐसी फुटिंग पे आए कि लोगों के लिए एक प्रॉस्पेरिटी कायम की जाए। बट अगर आप अमूमी जायज़ा लें कि क्या हुआ आज तक, तो आपको ये फील होगा कि हम वो अहदाफ जो हमें पूरे करने चाहिए सोशल सेक्टर में भी, पावर्टी के लिहाज से भी, इनकम्स के लिहाज से भी, वो नहीं पूरे कर सके। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। हमारा बिजली का सेक्टर भी ट्रबल में है, हमारी ग्रोथ भी ट्रबल में है, पावर्टी 40-45% पे है, 9 करोड़ आवाम सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, स्टंटिंग बच्चों की 40% से ज्यादा है, 2.5-3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये मतलब जायजा है पाकिस्तान का, और ये मैं किसी 5 साल 10 साल 20 साल, ये मतलब कई दहाइयों पे मुहित जायजा जो है वो ये है पाकिस्तान का। ऑनेस्टली, पाकिस्तान का ग्रोथ फ्रेमवर्क, यानी कि पाकिस्तान की ग्रोथ को बढ़ाने का जो फ्रेमवर्क है, वो भी काफी हद तक ब्रोकन है। हम फॉरेन इनफ्लोज पे डिपेंड करके कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी बन गए हैं। हमारी सेविंग्स कम है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स कम है, हम एनर्जी के लिए दुनिया पे डिपेंडेंट हैं, दुनिया को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। देखिए, इस तरह समझना चाहिए पाकिस्तान की इकॉनमी को। अब इसमें कई जगह ऐसी आई जब थोड़ी सी बेहतरी दिखाई दी, बहुत सी बिजली लगी। तो अगर आप PMLN की बात करें, तो मैं खुल के ये कह सकता हूँ कि वो बिग टिकट प्रोजेक्ट जो है उन्होंने किए, उससे इन्वेस्टमेंट भी मुल्क में आई। जैसे CPEC की ओवरऑल 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई, पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आई, हम उससे आगे ना बढ़ सके। सो जहाँ हमें फ़ायदा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, बिजली आ गई, पर वो बिजली ऐसी आई, यूटिलाइज नहीं की, उसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई। अगर आप PTI को देखें, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो ज़्यादा काम किया वो सोशल सेक्टर में किया। उनका जो सेहत कार्ड था, उन्होंने उसको तकवीत दी, वो उसको लेकर आगे बढ़े। पर ऑन दी इकॉनमी साइड, IMF में गए, फिर प्रोग्राम पूरी तरह ना चल सका, और इनिशियली कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई। उन्होंने मोबाइल की सनत को पाकिस्तान लाकर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, बट ऑन अ वेरी स्मॉलर स्केल। और जो PPP थी, अगर इसको मैं जायजा लूँ, तो उसने जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम है उस पर बहुत काम किया, और अब भी वो बात करते हैं डेवोल्यूशन की। सो आई थिंक मैं तीनों पार्टीज को इस तरह समझता हूँ, गुड एंड बैड पीरियड्स हैव बीन देयर, बट जो फंडामेंटल काम है ना, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। नदीम साहब, मतलब आपका ये मतलब है कि ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट कोई पैमाना नहीं है किसी भी सियासी जमात की कामयाबी का? जहाँ पे मुल्क खड़ा हुआ है, बहुत सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की, अपने अंदर देखने की जरूरत है कि हम अगर सतही तौर पे, या हम वो काम हमने किए भी हैं जिन्होंने थोड़ी सी तकवीत दी है इकोनॉमी को, पर जो फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, और फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी की वजह से ही पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, पाकिस्तान की चाहे वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हो, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की हो, पाकिस्तान की इनफिशेंसीज बिजली की हो, यू नो 150 के करीब हमारी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज इतना बड़ा नुकसान करती हैं, आप खुद बताइए ना, आप भी समझ जाएंगे, आप भी कहेंगे कि ठीक है, कहीं कहीं बेहतरी आई होगी जरूर, टेन्योर्स में आई भी है, बट जो फंडामेंटल काम है वो अभी भी बाकी है। अगर ना बाकी हो, तो मेरे दोस्त, मैं ये आपको कहूंगा कि IMF का एक और हिस्सा भी है जो कि प्रिडिक्शन कर रहा है, और वो ये कि जो भी हुकूमत आती है इलेक्शंस के बाद, उन्हें बड़े अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो मैं एक तो हमेशा ये भी अपने सब दोस्तों को समझाता हूँ कि अनपॉपुलर डिसीजंस जो है ना, वो तो अभी कभी लिए ही नहीं हमने। अनपॉपुलर कीमत बढ़ाना नहीं होता, कीमत बढ़ाना रिफॉर्म भी नहीं होता, कीमत बढ़ाना तो लोगों को सिर्फ तकलीफ देने के मुतरादिफ होता है। असल अनपॉपुलर डिसीजन ये, क्या आप PIA की तंजीम नौ कर सकते हैं? क्या आप एनर्जी सेक्टर की तंजीम नौ कर सकते हैं? क्या आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तंजीमें नौ कर सकते हैं? मैंने ये आपको SOEs के लिहाज से एक बात रखी, बिकॉज वो लोगों को ये रोज ट्रैवल करते हैं। क्या आप रेलवे की तंजीमें नौ कर सकते हैं? ये हैं मुश्किल फैसले। क्या आप वो लोग पाकिस्तान में अपॉइंट कर सकते हैं जो पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान की सर्जरी, चाहे वो सोशल सेक्टर में हो
चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर में हो, क्या आप ये कह सकते हैं लोगों को आकर कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, 70-80 लाख बच्चा हर साल पैदा करके ये मुल्क नहीं चलाया जा सकता, आप पॉपुलेशन मैनेजमेंट सीखिए, क्या आप ये कह सकते हैं? खान रजीब साहब, ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल जो हेल्थ है, एनवायरमेंट को कैसे मैनेज करना है। हम देख रहे हैं कि किसी भी सियासी जमात के मंशूर में ऐसी बातें नहीं है, 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे, ये वाली बातें हैं। मैं ये गुजारिश आपसे कर रहा हूँ कि आसान फैसले हैं जो कीमतों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मुश्किल फैसले हैं कि मुल्क की जो फंडामेंटल चीजें हैं उनको ठीक करना, मुल्क की तंजीमें नौ करना, पोलिटिकल सतह पे भी, एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे भी, एसओईज के सतह पे भी, सोशल सेक्टर के सतह पे भी, और सबसे बढ़ के क्या आप इनकम जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है वेल्थ जनरेशन करने के लिए मुल्क को खोल सकते हैं और उस मुल्क को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हकान साहब, ये हैं तीन पार्टीज हैं इलेक्शंस में, आईपीपी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनकी जानिब जैसे अजीम राणा ने भी कहा कि दावे किए जा रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, ये इंतखाबी जो वादे हैं, ये काबिले अमल लग रहे हैं कहीं से? देखिए ऑनेस्टली मैं इतनी समझ से अगर गुफ्तगू करूं तो पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग मुझे पावर में आने के लिए एक लाजिम व मलजूम चीज है, तो वो की जा रही है और इसमें कोई हरज नहीं है, मैं इसको इसी तरह समझता हूं। चलें, इसको जो डीपर है वो मैं ये समझता हूं कि लोगों की पल्स समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, सब मच्योर लोग हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि यार बिजली के जो जिमन में कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, ये बहुत अच्छी चीज है। तो वो समझ गए हैं कि बिजली मुझे और आपको तकलीफ दे रही है, आम और खास को तकलीफ दे रही है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसको इस तरह लेके चलिए। सो अगर मैं उनको एडवाइस कर रहा हूँ ऑन द टेबल ऑफ द गवर्नमेंट नॉट आउटसाइड, तो मैं उनको कहूंगा कि ये जो वादा है इसको पूरे करने के ये चार तरीके हैं, सोलर दे देंगे, इनकम सपोर्ट में मदद कर देंगे। ना हमारे पास बिजली है, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास ग्रोसरी के पैसे हैं, ना हमारे पास गैस है, हमारे पास पता नहीं क्या है, ये समझ से बाहर ये चीजें तो अब पता नहीं कहाँ और कब की जाएंगी जो बताई जा रही हैं। क्या इनको, जैसे आप बता रहे हैं कि ये चार चीजें हैं जिसपे गौर करना बहुत जरूरी है, क्या इनके पास इसे बताने वाले कोई लोग नहीं? देखिए डीपर थिंकिंग तो आप मीडिया के थ्रू, हम जैसे लोगों से ही ले सकते हैं, थिंकिंग माइंड्स ही पाकिस्तान में ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हुआ ये कि जो थिंकिंग माइंड्स हैं उन्होंने अपना जो तशहीर है इस गुफ्तगू की उसको कम कर दिया है और वो उस जिसे कहेंगे फोर्स बनकर सामने नहीं आ रहे, इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कि वो खुलकर गुफ्तगू कर सकें कि पाकिस्तान को तंजीमें नौ करने के लिए पाकिस्तानियों ने ही करनी है, बार बार IMF जो ICU का डॉक्टर है उसके पास जाने की जरूरत नहीं होगी। काकान नजीब साहब, अभी ब्लूमबर्ग की जो ये रिपोर्ट सामने आई है, इंतखाबात का माहौल है, इलेक्शन करीब है, तो एक इमेज प्रोजेक्शन के लिए तो ये फायदेमंद होगी नून लीग के लिए? जरूर, और चूंकि उन्होंने जिसे कहेंगे हाई विजिबिलिटी प्रोजेक्ट्स किए हैं तो वो उसकी तशहीर करना ज्यादा जो है मौजू समझते हैं, और ब्लूमबर्ग ने भी उसी जमन में ये काम किया है। ये भी याद रखिए कि 13-16 में उन्होंने IMF का प्रोग्राम भी कंप्लीट किया था, तो कुछ चीज़ें तो हर एक की फेवर में जाती हैं, वो मैंने आपके सामने रखी हैं, इसी पे बेस करके वो आगे अपने मंशूर को लेकर चलेंगे। पर पाकिस्तान नीड्स सीरियस डीप रिफॉर्म्स, उसके बगैर, वरना आप 3 साल बाद मुझे कह रहे होंगे कि जो वादे थे या जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी उनमें से अकाउंट फॉर कर लीजिएगा कि कौन सी पूरी हुई। हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ गया है इस सेंसस में, जो हमें लग रहा था कि कम हो जाएगा। दैट्स नॉट अ गुड पॉलिसी फॉर पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया काकान नजीब साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।